हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं दोस्तों आप लोग? ठीक ठाक, मज़े में, फिट फाइन। मैं आपको वेलकम कहता हूं आपके पांचवें HTML एंड CSS ट्यूटोरियल के अंदर बाय द यूज़र नेम फैक्नर ऑन YouTube। इस ट्यूटोरियल में हम टेबल्स के अंदर काम करना सीखेंगे। तो टेबल्स के अंदर काम करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम अपने टेम्पलेट का डॉक्यूमेंट जो हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल्स में बनाना सीखा था उसको ओपन करते हैं और उसको सेव एज कर लेते हैं फिफ्थ, क्योंकि हमारा फिफ्थ ट्यूटोरियल है और इसके साथ में फिफ्थ टेबल डॉट html के नाम से सेव कर लेता हूं। याद रखें कि आपने हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फाइल को सेलेक्ट करना है और इसको सेव कर लेना है। सबसे पहले टाइटल Tables in HTML5 और body tag के अंदर जाके सबसे पहले मैं table का tag शुरू करता हूँ और table के tag को close कर देता हूँ। तो tables के अंदर आपको पता है कि हमारे पास rows होती हैं जो कि horizontal होती हैं और हमारे पास columns होते हैं जो कि vertical होते हैं। तो टेबल बनाने के लिए जो हम सबसे पहला टैग यूज़ करते हैं वो है tr का, कि यहाँ पे टेबल की नई रो शुरू हो रही है और इसके साथ ही मैं tr के टैग को क्लोज भी कर देता हूँ। तो टेबल्स की जो बनते हैं वो टेबल सेल्स के साथ बनते हैं। तो सबसे ऊपर जो टेबल सेल्स होते हैं हेडिंग पे, हेडर पे, उनको सेल हेडर्स कहा जाता है। तो मैं क्या करता हूँ कि इस टेबल रो में एक सेल ऐड करता हूँ जिसके लिए मैं टैग यूज़ करूँगा th का हेडर टैग या हेडर सेल का टैग और उसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। और इसके अंदर लेट सपोज हम एक कस्टमर्स का टेबल बना रहे हैं जिसमें हमने उनका नाम और एजेस एंटर करनी है और शो करनी है। तो इस हेडर सेल का जो इसके अंदर लिखा हुआ होगा वो है नेम। इसको मैं सेव करता हूँ और इसको हम रन करके लॉन्च इन गूगल क्रोम करते हैं ताकि हम चेक कर सकें कि अभी हमारे साथ क्या काम हो रहा है। आप ये देख लें कि ये थोड़ा सा आपको फॉन्ट बड़ा नज़र आ रहा होगा क्योंकि मैंने इसको जूम इन किया हुआ है। अगर आपने गूगल क्रोम में जूम इन और जूम आउट करना हो तो आप कंट्रोल माइनस, जो कि जूम आउट के लिए यूज़ होता है, और कंट्रोल प्लस जो कि जूम इन के लिए यूज़ होता है। तो मैंने जूम इन इसलिए किया हुआ है ताकि हमें ये आसानी से नज़र आ सके। तो अभी आप देखें कि यहाँ पे आपको कोई टेबल नज़र नहीं आ रहा बल्कि यहाँ पे एक हमें सिंपल टैग नज़र आ रहा है, नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा है, नेम। तो इसका मतलब यह है कि हमें अपने टेबल का बॉर्डर डिफाइन करना पड़ेगा और इसका बॉर्डर मैं दे देता हूँ टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू 1। इसको मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखें कि हमारे पास टेबल का बॉर्डर नज़र आना शुरू हो गया है। इस वक्त हमें दो बॉर्डर्स नज़र आ रहे हैं, एक हमारा टेबल का बॉर्डर है और दूसरा हमारा सेल का बॉर्डर है। इस हेडर सेल के साथ हम कहते हैं कि हमें एक और सेल ऐड करना है जिसमें जिसकी हेडिंग होगी एज। इसको हम सेव कर लेते हैं और जस्ट हम चेक करते हैं तो आप देखें कि हमारे पास एक रो के अंदर, एक tr के अंदर दो सेल्स बन चुके हैं, दो हेडर सेल्स बन चुके हैं th और th नेम एंड एज। ये दो कॉलम्स हैं और एक हमारे पास इस वक्त टेबल में रो है। लेट सपोज हम थोड़ी सी और रोज ऐड करना चाहते हैं अपने टेबल में और इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेता हूँ ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। मैंने आपको बताया है कि हम इसको डिफरेंट तरीके से कोड को लिख सकते हैं जिस तरह हमें आसानी हो। इस वक्त मुझे आसानी ये लग रही है कि एक ही लाइन के अंदर मैं कुछ कोड लिख सकूँ। अब मैं एक नया रो ऐड करता हूँ और उस रो को क्लोज भी कर देता हूँ। उसके अंदर मैंने एक सेल ऐड करना है जिसमें मैं पहले अपने कस्टमर का नाम रखता हूँ रोबो। उस सेल को मैं क्लोज कर देता हूँ और इसके साथ ही मैं उसकी
एज भी लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं एक और सेल जो कि एज के नीचे आएगा उसके लिए मैंने td का टैग यूज़ किया और उसकी एज मैंने लिख दी 20, और इस सेल को मैंने क्लोज कर दिया और इसको हम सेव करते हैं और रन करते हैं, या फिर हम जाके इसको गूगल क्रोम के अंदर रिफ्रेश करते हैं तो हमारे सामने एक और रो ऐड हो चुकी ही है। अब देखें, जहाँ पे हमने th का टैग यूज़ किया था वहाँ पे हमारा जो हेडर के अंदर चीज़ लिखी हुई है नेम एंड एज वो बोल्ड है, जबकि जो हमने स्टैंडर्ड टैग यूज़ किया td का एक नया स्टैंडर्ड सेल ऐड करने के लिए, तो वहाँ पे आपके पास अनबोल्डेड या नॉर्मल फॉन्ट में चीज़ नज़र आ रही है। अब हम दोबारा नोटपैड प्लस प्लस के अंदर जाते हैं और मैं कुछ और रोज ऐड करना चाह रहा हूँ डिफरेंट कस्टमर्स की, तो आसान चीज़ ये है कि मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ और मैं अपने कस्टमर्स के नाम चेंज कर देता हूँ, रोबो, बोबो, टोबो, 20, 30 एंड 10 इनकी एज है। मैं इसको सेव करता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास टेबल में अब 4 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, और इस टेबल के अंदर अगर आप काउंट करें तो 8 सेल्स हैं। दोस्तों, लेट्स सपोज अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे एक और रो ऐड हो जो कि इन 2 कॉलम्स के को स्पैन कर रही हो, वो सेल इन 2 कॉलम्स को स्पैन कर रहा हो, यानी कि 2 कॉलम्स की जगह यहाँ पे हम सिर्फ अब एक कॉलम या एक सेल ऐड करना चाहते हैं जो कि इन दोनों कॉलम्स पे स्पैन कर रहा हो। वो हम कैसे कर सकते हैं? हम अपने HTML पेज में आए, उसी तरह मैंने रो शुरू की, रो को टैग को क्लोज किया और उसके अंदर मैं एक सेल बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं चाहता हूँ कि वो ऊपर वाले दोनों कॉलम्स को स्पैन करे, तो उसके लिए जो मैं एट्रीब्यूट या कमांड यूज़ करूँगा वो है कॉल स्पैन इक्वल्स टू ट्रू, कि ऊपर जो दो रोज हैं, दो कॉलम्स हैं, तुम्हारे विड्थ जो होनी चाहिए उनके इक्वल होनी चाहिए या उन दोनों के इक्वल तुम्हें स्पैन करना चाहिए। इसको मैंने क्लोज कर दिया और मैंने इसका नाम रख दिया, लेट सपोज सिर्फ चेक करने के लिए, कॉल स्पैन इक्वल्स टू 2। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते थे। इसको हमने सेव किया और जाके हमने रिफ्रेश किया तो अब देखें कि हमने एक और रो ऐड कर दी है जिसके अंदर ये जो एक कॉलम है ये ऊपर वाले दो कॉलम्स को स्पैन कर रहा है। लेट सपोज अब मैं एक और कॉलम ऐड करना चाह रहा हूँ जिसमें रोबो, बोबो और टोबो, ये जो 3 रोज हैं, इनके सामने एक जो है वो सेल स्पैन हो जो कि इन 3 रोज को स्पैन कर रहा हो और उसमें उनकी लेट सपोज जेंडर मेल लिखी आ रही हो। तो ये काम हम किस तरह कर सकते हैं? उसके लिए हमें सबसे पहले एक लेट सपोज और हेडर सेल ऐड करना है जिसका नाम होगा जेंडर, तो वो हम सिंपली ऐड कर सकते हैं। एज के सामने मैं एक और हेडर सेल ऐड करना चाह रहा हूँ जिसमें हमारे पास जेंडर लिखा होगा। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखें कि हमारे पास जेंडर आ गया। अब हम एक और सेल बनाना चाह रहे हैं जो कि इन 3 रोज पे सामने स्पैन कर रहा हो, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि ये जो पहला हमारा स्टैंडर्ड रो है इसमें मैं td का टैग ऐड करता हूँ और इसमें मैं कितनी हम रोज को स्पैन करना चाह रहे हैं, 1, 2 और 3, तो रोज स्पैन इक्वल्स टू 3 लिखा मैंने, जेंडर इनकी मेल लिखी, ठीक है जी, और td के क्लॉक टैग को मैंने क्लोज कर दिया। इसको मैंने सेव किया और जाके मैंने रिफ्रेश किया तो अब देखें कि हमारे सामने एक और सेल ऐड हो गया है जो कि 3 रोज को स्पैन कर रहा है, रोबो, बोबो और टोबो को, जो कि मेल जिसके अंदर लिखा हुआ है। लेट सपोज अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये कॉलम स्पैन इक्वल्स टू 2 को भी स्पैन के सामने भी ये रो स्पैन करे, ये सेल स्पैन करे, तो आप यहाँ पे कैसे इसको लेके आ सकते हैं? सिंपली आप
रो स्पैन इक्वल्स टू 4 कर दें, इसको सेव करें और अपने पेज को जाके रिफ्रेश करें, तो ये आपका अब 4 रोज को ये वाला कॉलम, ये वाला सेल स्पैन कर रहा है, जबकि ये कॉलम आपके 2 कॉलम्स को स्पैन कर रहा है। तो कॉलम्स को स्पैन करने के लिए हम कॉल्स स्पैन यूज करते हैं और रोज को स्पैन करने के लिए हम रो स्पैन की एट्रीब्यूट को यूज करते हैं। लेट सपोज मैं अपने टेबल का कैप्शन भी देना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए हम सिंपल कैप्शन की कमांड या कैप्शन का एट्रीब्यूट यूज करते हैं, कैप्शन और कस्टमर टेबल। इस कैप्शन को हम बंद कर देते हैं और सेव कर देते हैं, तो इसको हम रिफ्रेश करते हैं, तो अब ये हमारे सामने कैप्शन भी आ गई है। इस टेबल को हम सेंटर लाइन भी कर सकते हैं, इस टेबल के हम बैकग्राउंड्स को भी चेंज कर सकते हैं और बाकी हम इसके बॉर्डर्स को भी चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर कलर को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ये है कि ये सब काम हम CSS यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स के जरिए करें। HTML5 में बहुत से पुराने टेबल्स के जो एट्रीब्यूट्स थे और कुछ टैग्स थे वो रिमूव कर दिए गए हैं, क्योंकि अच्छी प्रैक्टिस यही है कि हम इन सब चीज़ों को, बैकग्राउंड कलर को, अलाइनमेंट को और सब चीज़ों को CSS3 के ज़रिए कंट्रोल करें, और ये हम सब चीज़ें अपने सीखेंगे जब हम अपना CSS3 का ट्यूटोरियल शुरू करेंगे। तो मेरे ख्याल से इस ट्यूटोरियल को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि ये ट्यूटोरियल्स किसी और लैंग्वेज में, मसलन पंजाबी में, इंग्लिश में भी हों, तो मुझे कमेंट कीजिए और मैं ये ट्यूटोरियल्स जो हैं उस लैंग्वेज के अंदर भी ट्रांसलेट कर दूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टेक केयर, बाय बाय।